नमस्कार मित्रों, आज हम सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न बाल मनोविज्ञान से संबंधित रहेंगे। इन प्रश्नों की श्रृंखला में हमने कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को तथा मॉडल पेपर और ऑथेंटिक बुक से सेलेक्ट किया हुआ है। ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण इसलिए भी साबित होंगे क्योंकि ये बार बार पूछे गए प्रश्न हैं और जो कि हर बार पूछे ही जाते हैं, ये निश्चित है। आप मान लीजिए कि ये प्रश्न फिर जुलाई की परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसमें आएंगे। आप ये मान के चलिए, इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। इधर उधर की बातें ना करके हम टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और हम आशा करते हैं कि आपको ये श्रृंखला अवश्य पसंद आएगी। आने वाली और भी श्रृंखलाएँ हमारी हैं और भी श्रृंखलाओं को आप अगर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारा चैनल और सब्सक्राइब करिए। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक पहला विकल्प दंड, दूसरा विकल्प यंत्रवत याद कराना, तीसरा विकल्प विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, चौथा है अनुबंधन। सीधी सी बात है, दंड को तो सिरे से खारिज कर देना है, दंड तो विद्यार्थी को देना ही नहीं है। जूनियर सीटेट की बात कर रहे हैं, इसमें प्राइमरी भी दोनों महत्वपूर्ण, दोनों परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा है याद कराना, बच्चे को जो NCERT नई पाठ्य शिक्षा नीति कहती है कि याद कराना नहीं बच्चे को है, बच्चे को किसी भी चीज़ में उसको रटाना नहीं, उसको रटकर याद कराने शिक्षा वाली जो पद्धति है उसका जोर नहीं करता है NCERT। तीसरा हो गया विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, बिल्कुल सही, यही विकल्प सही हो गया कि विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है वही उस विद्यार्थी की संरचनावादी उपागम को बतलाता है कि बच्चा, टीचर को, अध्यापक को चाहिए कि बच्चे का पूर्व ज्ञान देख करके उसको आगे के अधिगम में सहायता प्रदान करे, ठीक है। चौथा विकल्प है अनुबंधन, तो संरचनावादी उपागम में अनुबंधन का महत्व नहीं होता है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। बच्चों का यही कार्य होता है कि अपने मन में, वो मन में खोए रहते हैं, वो अपने मन में सिद्धांतों का एक पुल तैयार करते हैं, एक बॉन्ड तैयार करते हैं। तो उसमें क्या कह रहा है कि इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक यदि आप हैं तो आप करेंगे क्या, आप यदि शिक्षक होंगे तो बच्चे जो सहजानुभूति सिद्धांत अपने मन में तैयार करते हैं और भौतिक रूप से तैयार करते हैं। विकल्प दिए हैं, देख लीजिए, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा कर देंगे, तो गलत हो गया। सीधी सी बात है, ये क्या हो गया, गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। दूसरा देखेंगे, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना, बिल्कुल यहाँ पे ये वाला विकल्प दूसरा गलत हो गया। भाई डांटा नहीं जा सकता बच्चों को, कोई बच्चा अगर सही विचार प्रस्तुत करता है, सही सोचता है, या फिर वो अपने हिसाब से भौतिक रूप से देखा जाए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ सही सोचते हैं, कुछ गलत भी सोचते रहते हैं कि गलत कार्य करने के वजह से सोचते हैं, तो उनको डांटना नहीं है, उनको समझाना है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद तीसरा, संवाद के द्वारा बच्चों की धारणा को चुनौती देना, विकल्प क्या है, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना। सीधी बात है, बिल्कुल गलत हो गया, भाई खारिज नहीं कर सकते बच्चों की बात को, चाहे वो सही हो या फिर गलत है। बच्चों के द्वारा जो संवाद है, संवाद के द्वारा बच्चों की इस अवधारणा को चुनौती देना चाहिए कि भाई तुमने सोचा है तो कैसे सोचा है, क्या उसका आगे क्या होगा, तो उनको समझाना चाहिए और उनको उस विषय पर चर्चा करनी चाहिए अध्यापक को, ये हुआ इसका। तो तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। बहुत ध्यान देने का विषय है कि प्रश्न क्या होता है, नहीं जो प्रश्न दिए होते हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि नहीं वाला दे दिया जाते हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन होता है, बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, टाइम होता है कम, तो क्या करते हैं, पढ़ते हैं और ये नहीं सब भूल जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हुआ, पूरा सवाल इधर से उधर उल्टा पुल्टा हो गया। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो विकल्प दिए हुए हैं, क्या है, संवाद एवं परिचर्चा, तो भाई ये तो प्रभावशाली है, ये तो सही हो गया, ये तो है, संवाद और परिचर्चा बच्चों से करनी चाहिए, बच्चों के जो उनका अधिगम होता है संवाद और परिचर्चा से मजबूत होता है। दूसरा विकल्प है, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा है, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा, इसमें ध्यान देना कि नहीं दिया है कि वो कौन सा है प्रभावशाली प्रणाली नहीं है, ठीक है ना, तो संवाद और परिचर्चा तो है, तो ये विकल्प तो हो नहीं सकता। दूसरा क्या है, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये कुछ कुछ लग रहा है। अब तीनों विकल्प चारों पढ़ लेंगे फिर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, तो भाई प्रोत्साहन यानी कि उसको मोटिवेट, प्रमोट कर रहा है, तो टीचर प्रमोट करेगा, तो सीधी बात ये वाला विकल्प, ये भी शिक्षण प्रणाली का एक अंग है, ये वाला भी सही है।
दूसरा क्या, प्रयोग और पर्यवेक्षण, ये भी सही है। बच्चे को जो जूनियर का बच्चा हो चाहे प्राइमरी का बच्चा हो, उसको प्रयोग और पर्यवेक्षण के द्वारा ही सार्थक अधिगम प्राप्त होता है। तो इसमें सीधी सी बात हो गई कि अब भाई दूसरा बच्चा है दिए गए ज्ञान को दोहराने, दोहराने का तो भाई उसको रिवीजन कराना यहाँ पे नहीं है, उसको रटाना है। दोहराना का मतलब यह है कि बच्चा अपने हिसाब से कुछ नहीं कर रहा है, आप बच्चे से कह रहे हैं कि वो उसको रटे, उसको दोहराए। भाई आप बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि सीमा का घर पाठ चार बार रटो, पढ़ो चार बार पढ़ो, ये गलत हो गया, ये आपको नहीं करना है। तो इसका अर्थ हुआ कौन सा विकल्प सही होगा, यानी दूसरा वाला विकल्प सही है। कौन सा, दूसरा सही, इसमें क्या आप लगाएंगे, दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं। अब शिक्षक की बात कर रहा है, आप अध्यापक हैं, आपकी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपने को वहाँ पे रख लीजिए, आप ही शिक्षक हैं। अपने मन में विचार, माइंड मेकअप करिए कि आप ही शिक्षक हैं, ठीक है। अब क्या है, क्या हो करेंगे आप, कुछ बच्चे हैं आपकी कक्षा में, होते हैं हर कक्षा में होते हैं, ये तो आप मान के चलिए समावेशी शिक्षा की एक कड़ी ही है कि हर क्लास में कुछ अच्छे बच्चे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, कहीं और मन लग रहा होगा। तो आप करेंगे क्या, उसमें आप उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, ठीक है। दूसरा, उन्हें गृह कार्य के अत्यधिक कार्य देकर, बिल्कुल गलत, बच्चे को कक्षा में बाहर जाने के लिए कहकर, बिल्कुल गलत, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, गलत। ये इसमें देखो तीनों, दूसरे और तीसरे चौथे में डिप्रमोट कर रहा है, मतलब उनको हतोत्साहित कर रहा है बच्चे को। भाई सीधी बात, बच्चा अगर पढ़ने में कमज़ोर है तो उसका टीचर क्या करेगा, कारण जानेगा, उसका पृष्ठभूमि, पीछे का बैकग्राउंड और पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करेगा और जानेगा कि आखिर उसके अरुचि का कारण क्या है। सीधी बात है, तो यही अच्छे टीचर की एक पहचान है। पहला विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है, आशा है कि आप सही किए होंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ज्ञान की संरचना का एक महत्वपूर्ण पहलू है कौन सा है, पुरस्कार और दंड, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, तीसरा विकल्प है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, चौथा है लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। कौन सा हो जाएगा बताइए मित्रों, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें हो जाएगा सार्थक संरचना की, ध्यान से पढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो पुरस्कार और दंड, सीधी बात है दंड और पुरस्कार की बात तो करते ही नहीं है अध्यापक। उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, सार्थक संरचना प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है उद्दीपन और प्रतिक्रिया सिद्धांत, और तीसरा विकल्प दिया हुआ है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। तो इसमें हो जाएगा तीसरा सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, ये वाला विकल्प आपका सही होगा। महत्वपूर्ण पहलू है वो सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। तो हो जाएगा, इसमें विकल्प है क्या, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना पहला है, दूसरा है अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, अधिगम के प्रति भौतिकवादी आवृत्ति का विकास, चौथा है समझने के लिए अधिगम में आनंद प्राप्त करना। क्या होता है कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा रखता है ना, तब उसमें वो भौतिकवादी आवृत्ति का विकास होता है, उसमें वही बच्चा फिर सोचने मन में बिठा लेता है कि हमको ये पाने के लिए, अर्थात साइकिल पाना, घड़ी पाना, जो भी हो उसके लिए वो मेहनत करता है, भौतिक, अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जो संभावना उत्पन्न हो रही है कि भौतिकवादी आवृत्ति का उसमें विकास होता है, सीधी बात, तीसरा विकल्प सही हो गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, सन 2019 का बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन,
क्या इसमें दिया संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है। तो सीधी बात है, दोनों के बीच द्विदिशीय संबंध होता है और एक गतिशील पारस्परिक क्रिया करते हैं। बिल्कुल ध्यान दे लीजिए, बहुत प्रबल संभावना है कि इस बार ये प्रश्न पूछा जाएगा। संज्ञान और संवेग क्या है? दो दिशीय है, संज्ञान और संवेग। संवेग जो है ये आपके कैसे हैं, ये दो दिशीय हैं, दोनों दिशा में कार्य करेंगे और इनके बीच एक पारस्परिक क्रिया होती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? निम्नलिखित में ऐसे कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित कर रहे हैं? सीधी बात, विद्यार्थियों की अभिरुचि प्रभावित करेगी। दूसरा है विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, ये भी सही हो गया। उसके बाद देखेंगे तीसरा विकल्प क्या कह रहा है। तीसरा जो पॉइंट है वह है शिक्षा शास्त्री रणनीतियाँ, ये भी सही है। विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध, ये भी सही है। जिसका मतलब चारों विकल्प सही है, तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आपने बताए हैं ये कुछ सेलेक्टिव प्रश्न हैं जो इस बार प्रबल संभावना है कि रिपीट होंगे। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए।